हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनको श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। इनमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर की ख्याति दूर दूर तक है। इस भव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना पर एक कथा प्रचलित है, इससे जुड़े कथा का आज हम वर्णन करेंगे। मित्रों, अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इस नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त थे। वे हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। मित्रों, पास में ही रत्नमाल पर्वत पर दूसर नामक एक राक्षस रहता था। मित्रों, इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वे धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसने ब्राह्मणों को धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी बात नहीं मानी। राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। इससे उबकर ब्राह्मणों ने भगवान शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूसरे राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वही रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान शिव वहीं विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। मित्रों, महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं है और बीच के हिस्से में ओंकारेश्वर और ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर हैं। मित्रों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा उज्जैन से ही ग्रहण की थी। मित्रों, भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन किए जाते हैं। मित्रों, उज्जैन की ख्याति प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के तौर पर देखी गई है। उज्जैन के एक ही राजा हैं, वे हैं बाबा महाकाल। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ रात को किसी भी राजा को रहने की इजाज़त नहीं है। जिस भी राजा ने यहाँ ठहरने का दुस्साहस किया, वे संकटों से घिरकर मारा गया। वर्तमान में भी यहाँ कोई राजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं रुक सकता। मित्रों, ये मान्यता है कि राजा महाकाल श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को नगर भ्रमण भी करते हैं। मित्रों, ये थी राजा महाकाल के उत्पत्ति की कथा। चलिए अब करते हैं दर्शन। जय महाकाल, जय भोलेनाथ।